डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू, लिख दो, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू, हाँ व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्सेस, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू रिस्टोरिंग फोर्सेस और डिफॉर्मिंग फोर्सेस, हाँ व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू डिफॉर्मिंग फोर्सेस और रिस्टोरिंग फोर्सेस फुल स्टॉप, दैट दैट फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, हाँ दैट फोर्सेस मतलब सेम फोर्सेस जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस या रिस्टोरिंग फोर्सेस, लिख दो डिफॉर्मिंग फोर्सेस, डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्सेस, दूसरा क्या बताया, डिफॉर्मिंग फोर्सेस और रिस्टोरिंग फोर्सेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, इसका शेप मान लिया कि सिलेंडर टाइप का है, ठीक है, तो मान लिया कि इससे फोर्स हमने एफ लगा रहे हैं, यहां पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, तो जो एफ फोर्सेस लगाएंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा, समथिंग कुछ एलोंगेशन होगा, अगर अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो इसके अंदर कंप्रेशन होगा वो, तो ये जो एरिया पर यूनिट एरिया यानी कि एफ डिवाइडेड बाई पर यूनिट कहेंगे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है, क्या हो गया, ये सिग्मा, ये स्ट्रेस को आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे नोटेशन, एस से भी लिख सकते हो, सिग्मा से भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज नोन एज, पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस होता है ये आपके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो अब जैसे हमने ये इसको क्या किया, इसको अलोंग किया, तो रिस्टोरिंग फोर्सेस कहां पे लगेगा, दिस साइड लगेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, मान लो कि एफ वन है तो एफ टू है रिस्टोरिंग फोर्सेस, तो यहां पे जो रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्सेस जो होता है दैट इज पर यूनिट एरिया कॉल्ड स्ट्रेस, ये हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्सेस लगाया, हमने इसकी शेप को क्या किया, चेंज कर दिया, मान लिया कि इसकी इनिशियल पोजीशन था, अब हमने फोर्स लगा के, मान लिया कि बॉडी इलास्टिक थी तो इसको हमने फोर्स लगाया तो क्या हुआ, अलोंग हो गया, क्या हुआ, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो अब इसके अब इसको अब इस फोर्स को हम रिमूव कर देंगे जो हमने जिससे अलोंग किया था, तो अब इसके अंदर कौन सी फोर्सेस लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्सेस लगेगी, क्या लगेगी, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या करेगी, इसको इसको नेचुरल नेचुरल लेंथ पर लेके आएगी, तो रिस्टोरिंग इसके पर यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है, मान लें कि ए इसकी सरफेस एरिया यहां पे है, तो ए यूनिट पे अगर 5 न्यूटन लग रहा है तो यूनिट एरिया पे जितना जो लगेगा एफ अपॉन ए, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस ऑफ दिस मटेरियल, हाँ जैसे हमने फोर्स पहले लगाया एलोंगेशन करने के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर फिर रीस्टोरिंग फोर्सेस लगेगा, दोनों में लगेगा, ये देखो हम, हाँ जो हमने नीचे किया वो, हाँ हाँ फिर रिस्टोरिंग लगा, इसको डिफॉर्म, हाँ ये रिस्टोरिंग फोर्सेस हो गया और ये हो गया डिफॉर्मिंग, ठीक है, और ये आपका इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, मान ले कि ऑब्जेक्ट है यहां पे, इसको हमने पुश कर रहे हैं और डिफॉर्मिंग आपका ऐसे भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में जो आपका रिस्टोरिंग लगेगा वो क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, समझ में आ गया, बिल्कुल, क्योंकि ये फिर डायरेक्ट सेम प्रेशर वाली जो है, प्रेशर का भी यूनिट क्या होता है, इसका प्रेशर क्या होता है, ये भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यूनिट क्या हो गया, स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे स्ट्रेस को, रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप इन ऑब्जेक्ट
पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्या लिखा? सब्जेक्ट टू डिफॉर्मिंग और स्ट्रेस। कहा था कि बेन बॉडी इज सब्जेक्ट टू डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग फोर्सेस, देन द रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी बॉडी को पहले हमने क्या किया, डिफॉर्म किया। डिफॉर्म आपका कॉम्प्रेशन भी हो सकता है और एलोंगेशन हो सकता है, तो इट इज सब्जेक्टेड टू, उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होगा, उसके अंदर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्सेस जो डेवलप होगा पर यूनिट एरिया में जितना डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, जो रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया में जो डेवलप हो रहा है दैट ओके, तो यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गुड है, प्रेशर का होता है, प्रेशर का भी होता है, फोर्स पर एरिया होता है ना इसमें। तो ये हो गया स्ट्रेस हो गया। अब इस स्ट्रेस को यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हो रही है, क्या हो रही है, जैसे सेम लॉन्ग लाइन में हो रही है, लेंथ वाइज हो रही है, अगर लेंथ वाइज हो रही है तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलेंगे। ये हो गया आपका एफ वाई ए। ठीक है, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा है तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और जब एरिया वाइज होगा तो आगे बताएंगे सियर स्ट्रेस उसको बोलते हैं। तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। एक वर्ड आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन तुम्हारा हो गया, जैसे मान ले कि किसी इसका लेंथ एल था, ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल था, वेन इट इज सब्जेक्ट टू डिफॉर्मिंग फोर्सेस, इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई डेल्टा एल, मतलब एल प्लस एल डैश हो गई, क्योंकि लेंथ तो बढ़ गई, एल प्लस एल डैश हो गई। अब तो चेंजेस कितना आया, डेल्टा एल, डेल्टा एल का मतलब क्या हो गया, एल डैश माइनस एल, वेरी गुड। ठीक है, तो जब ये फ्रैक्शन, ये डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। उसके अंदर जो चेंजेस आया, जितना जो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई और उसके जो ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी कि तो इसका डेफिनेशन कैसे कहो, नहीं ये और भी हो सकता है, अभी लॉन्गिट्यूडनल ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। डेल्टा एल अपॉन एल ये कहलाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू डिफॉर्मिंग फोर्सेस टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखो स्ट्रेन को कैसे लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो ही है ना, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू डिफॉर्मिंग फोर्सेस, चेंज इन लेंथ, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ व्हेन इट इज सब्जेक्ट, कब हुआ चेंज, व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू डिफॉर्मिंग फोर्सेस या ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्सेस भी लिख दो, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट टू डिफॉर्मिंग फोर्सेस। और ये डायग्राम बना दो इसमें, कहने का मतलब जो रेशियो का ये क्या हो गया, एक तरह से रेशियो हो गया, और कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की यूनिट क्या होगा, मोनिट डेल्टा एल अपॉन एल, इसकी यूनिट क्या होगी, नहीं डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल का यूनिट भी मीटर होगा और इसका भी मीटर होगा, तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये तो जस्ट एक नंबर है वो, है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं यहाँ पे, तो व्हाट इज द स्ट्रेस एंड व्हाट इज द स्ट्रेन इन द टर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए यहाँ पे। हाँ, इसको लॉन्गिट्यूडनल, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टेंजेंशियल स्ट्रेस और सियरिंग स्ट्रेस। किसमें, सर्कल में, हाँ बिल्कुल, क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, इसका स्ट्रेन निकालना है, ये हम बताएंगे इसमें किसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलेंगे इसको, वो कवर करेंगे नेक्स्ट आगे चल के, उसमें है वो भी है। हाँ
हाँ, अभी अभी जो हमने डिस्कस किया ओनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात किया, लेंथ वाली बात किया, अभी हम बता रहे हैं शियरिंग स्ट्रेस भी बता रहे हैं, अभी हम हाइट स्ट्रेस पे भी आ रहे हैं अभी, ठीक है। उस पर वॉल्यूम चेंज आया, वो क्या हुआ, जो तुमने क्रश किया वो वॉल्यूम चेंज हुआ, तो डेल्टा वी अपॉन बी हो गया, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक बल्क बल्क स्ट्रेस कर सकते हो इसको, ये नहीं नया नहीं है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन और इट इज सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस, क्या आपके आपने इसको क्रश किया, दैट इज द सेम चीज है, क्योंकि आपने इसकी वॉल्यूम चेंज कर दिया ना, आपने एक सर्किल बना दिया, एक स्फीयर बनाया, इस स्फीयर की वॉल्यूम क्या है, मान लो कि 4/3 pi r, हाँ, तो उसने क्या किया, आपने क्रश कर दिया, तो इट इज सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो यहां पे जो चेंजेस आएगा यहां पे वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाएगा ये, चलो अभी कवर करेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये क्या कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डायग्राम बना लिया, क्लियर करो इसको डायग्राम बना करके, एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सो दैट कि एग्जाम में अगर कुछ भी आता तो कुछ छूटे ना वो, ठीक है ना, टाइम है अभी आप लोगों के पास अच्छा खासा, अभी 11th अभी 12th का भी बचा हुआ है, फिजिक्स में पूरा कवर करेंगे, डिफिनेशन लिख दिया स्ट्रेन का इधर, हाँ उसके बाद यूनिट इसका लिख देना डायमेंशनलेस, यूनिट वाला हाँ, ये फिर से समझाता हूं एक बार, ये मान लो कि क्या है, एक मान लो एक कॉपर वायर ही है, स्ट्रैंड ही है वो, देखते हो ना केबल के अंदर क्या होते हैं, कॉपर वायर होते हैं ना वो, तो ये शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे सिलेंड्रिकल शेप, मान लें कि यहां पे हमने फोर्सेस लगा करके क्या किया इसको, अब ये इसकी नेचुरल लेंथ एल है, नाउ इसके डिफॉर्मिंग फोर्सेस हमने एफ लगा दिया यहाँ पे, तो अब ये क्या हो गया, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, वो पतला होगा ना क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, पढ़े होगे 10th क्लास में वॉल्यूम वाला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़े होगे कि वॉल्यूम क्या होता है, सिर्फ अगर कन्वर्ट कर रहे हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है सेम होता है, उसके शेप एंड साइज सिर्फ चेंज होंगे, वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा, तो अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया, लंबा हो गया, ठीक है, अब इसकी लेंथ हो गई एल डैश हो गई, तो इसकी लेंथ में कितनी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा एल, करेक्ट, व्हेन इस फोर्स को रिमूव दिया, जब ये फोर्स को रिमूव कर देंगे तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इट विल रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, क्या करेगा ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर लेगा वो, तो जो स्ट्रेन हुआ कितना स्ट्रेन हुआ, तो स्ट्रेन का जो डेफिनेशन हुआ यहां पे ये होगा डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब इट इज द रेशियो, फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया, स्ट्रेन क्या हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया, ऑब्वियसली एक से तो बड़ा होगा ना ये वाला, ऊपर वाली पोर्शन छोटा होगा नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है स्ट्रेस, क्या एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो आप डेफिनेशन अपने टर्म से डिफाइन कर दो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू डिफॉर्मिंग फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस, यू कैन से अंडरस्टूड, यूनिट क्या होगा इसका, ये डायमेंशन लेस होगा वो, किसको, हाँ ओके वेरी गुड, हाँ हाँ बिल्कुल, 15 कर दिया हमने, 15 कर दिया, 5 ठीक है, 5 कर लो कोई बात नहीं, डेल्टा एल मतलब हमेशा एल डैश माइनस एल, बड़े से मैंने छोटा कर दिया एल, 10 यानी कि 1/2 हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू ही है, हाँ तो फ्रैक्शनल वैल्यू ही होगा, कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता ये, ठीक है ना, कैसे हो सकता, देखो ना ये तो छोटा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा है यहाँ पे, तो स्ट्रेस हो गया, और ये कौन सा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, किसकी बात हो रही है लॉन्गिट्यूड, मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस, नेक्स्ट टॉपिक्स है टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस, क्या बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूड टेंजेंशियल एंड शियरिंग, ऐसे हो गया मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर के शेप में ही मान लेते हैं, ठीक है,
ठीक है, इसकी शेप क्या होगी, थोड़ी सी चेंज होगी। जब हमने फोर्स कैसा लगाया, फोर्स ऐसे लगा दिया यहाँ पे एफ टेंजेंशियल, किसी भी सरफेस के क्या जैसे टेंजेंशियल हमने फोर्स लगा, जैसे सिंपल सी बात है एक बुक की, बुक्स की वो पाइलिंग है यहाँ पे है, ठीक है। अब ऊपर से फोर्स लगाओगे तो बुक्स कैसा हो जाता है, बिल्कुल तिरछा हो जाता है ना, बिल्कुल हल्का थोड़ी थोड़ी डिफॉर्म हो जाते हैं। तो सेम वे में ऐसी जो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे इसके टॉप सरफेस पे लगाया सिलेंडर के, क्या लगाया टॉप सरफेस पे लगाया, तो इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहा है, इसके एंगल ये चेंज हो गया थीटा, ठीक है ना, हल्का चेंज हो रहा है एंगल यहाँ पे, पहले ये लाइन ऐसे थी अब ये थोड़ी सी ऐसे हो गई, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन कितना, यहाँ पे लेंथ कितना जो होगा, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो गया। तो इसको बोलेंगे हम जो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो कहलाएगा वो एफ इंटू ए ही होगा, एफ अपॉन ए ही होगा स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ जो स्ट्रेस होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया यहाँ पे चलो अलग बात है कि यहाँ पे सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि इसकी रेडियस आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा स्ट्रेस आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये क्या हो जाएगा टेंजेंशियल। अब टेंजेंशियल स्ट्रेन कितना होगा, टेंजेंशियल अगर टेंजेंशियल स्ट्रेन की बात किया जाए तो टेंजेंशियल जो स्ट्रेन होगा आपका वो आपका होगा यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ कितनी थी, यहां पे हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एल, एल कितना है यहां पे डेल्टा एक्स अपॉन एल, एल तो यही रहेगा ओरिजिनल लेंथ यहां पे था है। तो अब ये देखो टेन थीटा क्या, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं इसको डेल्टा एक्स, हाँ ठीक है वेरी गुड। तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या हुआ, पहले स्ट्रेन का डिफाइन करेंगे, स्ट्रेन इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेन एंड दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा है कि नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये थीटा हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया और ये एल है, तो टेन थीटा क्या हो जाता है पी अपॉन बी, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल, तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंसी, इसी टेन है यहां पर टेन आ गया इसीलिए इसका नाम पड़ा टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन का डेफिनेशन एक डायग्राम बना करके डेल्टा एक्स अपॉन एल नोट कर लो, न्यूमेरिकल में हो सकते हैं आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिखना डेफिनेशन तो लिख सकते हो द रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। ये हाँ दोनों का नोट कर लो, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का नोट कर लो एक साथ में, ठीक है, दोनों टॉपिक एक साथ ही कवर कर रहे हैं इसको। जो स्ट्रेस होगा वो क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, वो तो हमने जस्ट इसको एलेबोरेट करके बताया, कोई जरूरी नहीं हो सकता कि सॉलिड आपका ऐसा ही हो, वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो हमने तो यहाँ जस्ट एक सिलेंडर टाइप का शेप ले लिया हमने, हाँ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ही होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टॉप सरफेस कैसा है सर्कुलर है यहाँ पे। और स्ट्रेन में क्या हो जाएगा दिस इज जो हाँ डेल्टा एक्स अपॉन एल, टेन थीटा को भी बोल सकते हो और इसको भी बोल सकते हो, दैट इज द स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन। स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हो रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टू द ओरिजिनल लेंथ, इसको कर सकते हो रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। इसका स्ट्रेस का डेफिनेशन हो गया, स्ट्रेन का ये डेफिनेशन हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा क्योंकि, और इसका हो जाएगा सेम न्यूटन मीटर स्क्वायर,
किसमें से ज्यादा थ्योरी बेस है आपकी? नहीं मैकेनिक में तो बहुत न्यूमेरिकल है। मैकेनिक हाँ सेकंड वॉल्यूम में मैक्सिमम थ्योरी है। किसमें? हाँ तो नॉर्मली नहीं, तो नॉर्मली क्या होता है ना सिक्स एग्जाम में जो आएंगे ना वो फाइनल एग्जाम में भी 60-70% थ्योरी पार्ट ही होंगे, वो न्यूमेरिकल कम होंगे। हाँ, न्यूमेरिकल तो अच्छी अच्छी बात है ना, तुम्हारे स्कूल अभी से ही आपको अपग्रेड कर वो कर रही है, बेस बना रही है बिल्कुल नीट और जेई के लिए। बट नीट का जो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बनाना तो आता है ना उनको, कॉपी तो क्वेश्चन के आजकल आज के डेट में कट एंड पेस्ट बहुत आसानी से हो जाती है। आज का जो आज की जो टेक्नोलॉजी है बस कट एंड पेस्ट पे चल रही है मैक्सिमम, कॉपी कट पेस्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ओके, हाँ अच्छा, ओके ओके, अच्छा, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी सी ना क्वेश्चन मेहनत लगती है न्यूमेरिकल में, उसमें उसके एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है एक्चुअली ये क्या चाहती है एनसीईआरटी, क्या चाहती है एनसीईआरटी में देखना आप, न्यूमेरिकल वैल्यू इतना आसान नहीं होता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और डिवीजन करना, वो बहुत डेसिमल में रहेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। मतलब वो ये चाहते हैं आपको मेहनती बनाना, ना कि रट्टू बनाना। हाँ, अच्छा ओके, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एक दो तो बताना ही पड़ेगा एटलीस्ट। हम क्या करेंगे सेम पैटर्न, जैसे इसमें जितने क्वेश्चन रहेंगे ना एनसीईआरटी में, मान लिया कि 10-15 क्वेश्चन है, 15 में 5 मैं बता दूंगा क्वेश्चन, बाकी मैं ये बता दूंगा कि हाँ ये इस सेम पैटर्न पे आप एक करके आना, ठीक है हमारी ऐसी रहेगी। मैं ये बता दूंगा हाँ किसको करना वही मैं बताऊंगा, जरूरी करना ठीक है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में थ्योरी छुपे हुए हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में। चलो कोई बात नहीं, यहाँ सारे कवर कर देंगे। ये समझ में आ गया, नोट कर लिया ना इसको? नेक्स्ट टॉपिक इसमें है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक कॉम्प्रेशन, सेम जो अभी बता रहे थे। मान लो किसी लिक्विड में है, स्विमिंग पूल में तो सभी नहाए होंगे, एक तो जितना नीचे हम ज्यादा डाइव मारते हैं, जितना नीचे हाइट पे जाते हैं ज्यादा लगता है कानों पे, है ना। तो सेम वे में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके अंदर है, मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है इसमें रखा हुआ वाटर के अंदर में, तो इट इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स, होगा कि नहीं होगा? तो मान लिया किसके अंदर इसकी क्या होगी, इसकी मान लिया थोड़ी देर बाद मान लिया सब्जेक्ट इसकी क्या वॉल्यूम इसकी चेंजेज आएंगे, शेप कुछ ऐसा हो गया, तो शेप चेंज हो गया, तो इसका शेप क्या चेंज हो रहा है, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसका। जो सेम अभी एग्जांपल इसने मोनिश ने बताया अभी करके, पेपर का वो बना दिया, बॉल बना दिया और उसके हाथ से उसको स्क्वीज कर दिया, मतलब मैकेनिकल फोर्सेस, यहाँ पे हाथ की बजाय यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक फोर्सेस। हाँ कहाँ पे कर रहे हो? हाँ बिल्कुल ऊपर कर रहे हैं, तो नहीं 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 ऊपर में कैसे ज्यादा फोर्सेस लगेगी, नहीं वो अलग चीज होती है, वो आपके जो तुम बता रहे हो ना, वो ये बता रहे हो कि वो अलग चीज है। आर्किमिडीज प्रेशर, जब फ्लूइड प्रेशर पढ़ाएंगे ना तब उसमें कवर हो जाएगा टॉपिक तुम्हारा, वो कहने का मतलब नहीं है। हमारा अभी ये कहने का मतलब है किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वाटर के अंदर अगर इमर्स कर देते हैं तो इट इज सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिक फोर्सेस, क्योंकि वाटर भी फोर्स भी अप्लाई कर रही है ना वहां पे। तो हालांकि इसकी बात अभी इसकी एलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कितना फोर्सेस लगता है, कैसे लगता है वो मैं बताऊंगा, बट अभी ये समझ लो जो अभी फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक फोर्सेस लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? हाइड्रोलिक फोर्सेस। तो इसके जो पर यूनिट तो क्या लग रहे हैं? हाँ तो यहाँ पे जो ये हो जाएंगे आपका जो पर यूनिट एरिया जो लगेंगे दैट इज कॉल्ड
बल्क इसको आप बोलेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलेंगे इसको। ये हाइड्रोलिक क्या हो गया, हाइड्रोलिक फोर्स है, तो पर यूनिट एरिया जितना लगा वो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, तो लिखो हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है इसमें, हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, सेम होगा स्ट्रेस का सब जगह डेफिनेशन सेम हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जो वर्ड है वो चेंज हो जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, टेंजेंशियल स्ट्रेस था, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो जाएगा, सेम है हाँ, बट खाली फोर्सेस की डायरेक्शन, फोर्सेस सब चेंज हो रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा था, एलोंगेशन हो रहा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो रहा था, टेंजेंशियल लगा रहे थे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जा रहा था। हाँ, वो स्ट्रेस का सब जगह जहां पे भी स्ट्रेस लग गया ना वो एफ एफ अपॉन ए ही होगा वहां पे। तो स्ट्रेन था वो, स्ट्रेन उसका भी डायमेंशन लेस होगा, डेल्टा एक डेल्टा डेल्टा एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है वो, एल क्या है वो भी लेंथ ही है, तो भी डायमेंशन लेस हो गए वो, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन और टाइप ऑफ स्ट्रेस हो गए वो। जैसे अभी हमने हाइड्रोलिक स्ट्रेस बताया, इससे पहले क्या बताया था टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसके पहले बताया लॉन्ग, हाँ वॉल्यूम चेंज हो रही, तो यहाँ पे स्ट्रेन जो इसका होगा, इसका इसमें जो हाइड्रोलिक स्ट्रेन कहलाएगा वो होगा हाइड्रोलिक स्ट्रेन जो होगा आपका होगा डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा बस। हाँ दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कर देंगे डेल्टा वी अपॉन वी। और इसका डेफिनेशन इसका लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। और स्ट्रेस का क्या लिखोगे, स्ट्रेन का लिख रहे हो, हाँ इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेन। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या हो गया, सेम फोर्स पर यूनिट एरिया, जो रिस्टोरिंग फोर्सेस जो लगेगी इसमें। अब जैसे क्या हुआ यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जैसे अब इसको हम थोड़ी देर बाद फोर्सेस हटा देंगे, पानी को अगर निकाल देंगे यहाँ पे, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा ये। हाँ, तो जो रिस्टोरिंग फोर्सेस जो इसके अंदर लगेगा अभी, जो रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया जो लगेगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जैसे अभी हमने वाटर के अंदर इमर्स कर दिया इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है वो किसी फॉर्म में हो, वो रबड़ के फॉर्म में हो, हम ऑब्जेक्ट का मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है बॉल भी हो, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बट सब्जेक्ट टू सम डिफॉर्मेशन होता है वो तो आपको ये भी पता। अभी मैं यंग मॉडुलस पढ़ाऊंगा मैं, एक जो कॉपर की वायर या एक स्टील की वायर जो नॉर्मली यूज करते हैं, ये जो लेंथ होती है ना, अब लेंथ का मतलब जो पांच एग्जांपल में दिया था इतना नहीं होता, बहुत छोटा होता, माइनर होता, जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, बट सब्जेक्ट टू सम प्रेशर है उसके अंदर, वो वैल्यू डेल्टा एल बहुत छोटा होता है वो। हाँ हाँ प्रेशर है, हाँ बिल्कुल ओके। देखो ये नहीं होगा, बट आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप इतने मतलब वो इतना चेंज माइन्यूट चेंज होगा कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, बट उसके मॉलिक्यूल्स, मैंने भी उसी एग्जांपल को मैंने क्यों बना के दिखाया था, मैंने एक जो इसको स्क्वायर बना के जो दिखाया था हमने, ये लार्ज व्यू है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, हम बहुत ही छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात कर रहे हैं, और वो आपके चेंजेज आएंगे थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट चेंजेज आएंगे, एंड इट इज सब्जेक्ट टू फोर्स, ये फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब छोटे नहीं, अब ये करो कि अब छोटे, अगर थोड़ी से एक बॉल लिया हमने बकेट में पानी, वहां पे ये प्रेशर ही फोर्स ही कम है, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं कि हाँ बिल्कुल हाँ हाँ क्या चल बढ़ जाएगी, हाँ वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल बिल्कुल ऑब्वियसली, हाँ गुड
हाँ लेकिन वो टॉपिक नहीं है ना जो तुम डिस्कस कर रहे हो, वो टॉपिक्स नहीं है। वो टॉपिक्स यहाँ ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट इट बी कोई भी हो, चाहे कोई भी हार्ड, कोई भी इलास्टिसिटी जिसके अंदर प्रॉपर्टी है, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो अगर आप इमर्स करोगे तो इट इज सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिक फोर्स। वो अलग बात है कि फोर्स बहुत कम है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, बट जो थ्योरी ये कहती है कि इट इज सब्जेक्ट टू सम डिफॉर्मेशन, थ्योरी ये कहती है, बट प्रैक्टिकली ऐसा दिखता नहीं है। वो तो कहोगे कहाँ कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ अगर उसके अंदर, अब वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान ले कि ऑब्जेक्ट थोड़ी सी जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा है तो उसमें चेंजेस दिखेंगे, जैसे गुब्बारा बैलून है, ठीक है। अभी इस बैलून की हम बात करेंगे तो ये क्या है, थोड़ा सा ब्लास्ट कर जाएगा, ये करेगा कि नहीं करेगा? अब तो नहीं करेगा पानी के अंदर, नहीं। अगर आप नीचे रखे रहो थोड़ी देर में वो ब्लास्ट कर जाएगा। वो हम थोड़ा सा भी प्रेशर, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते हैं, हल्का सा, देखना कभी एयर फ्रिक्शन, कभी कभी अपने आप बैलून देखते हो फूटते हुए, देखो गुब्बारे को बर्थडे पार्टी में, अब क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से वो चीज हमें आंखों से नहीं दिखती है। अब इस अभी एयर में कितने सारे मिक्सचर है, वो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, बट बहुत सारे गैसेस हैं। तो सेम वे में वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, वो हम प्रैक्टिकली आंखों से उसको नहीं देख देंगे, ठीक है। कैप पहनते हैं, हाँ, स्विमिंग पूल के, हाँ, वो कैप किसी और पर्पस से पहनते हैं, नहीं बाल बचाने के लिए भी नहीं पहनते, वो किसी और चीज के लिए पहनते हैं। जब स्विंग करोगे ना, जब थ्रस्ट निकालते हैं ना, वो जैसे अब जहाज है, वो एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट की जो जो नोज होती है, वो हर चीज का कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है वो, क्योंकि वो बर्नौलिस तो सेम में वही होती है कि अगर जितनी कम थ्रस्ट लगेगी उतनी ज्यादा आप फोर्सेस, कम फोर्सेस में फॉरवर्ड आगे होगे। लेकिन हाँ बहुत ही माइन्यूट चेंजेज होती है उसकी वजह से। अब कहोगे कि बाल बचाने के लिए, वो रीजन नहीं होते हैं उसके, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं उसमें, तो वो भी है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर वो भी है इसमें, आपको जैसे बाल जितने वो रहेंगे, ठीक है, तो आपको जो एयर जो प्रेशर लगेंगे, वो प्रेशर ज्यादा लगेंगे ना, वो बाल से क्या होगा, देखो अब जब मैं बर्नौलिस थ्योरम बताऊंगा ना, तब वहां पे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पी रो इज रो इज पी वी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसी प्रिंसिपल पे कोई भी चीज आगे, मतलब ये जो होती है, अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया तो वहां पे वेलोसिटी कम होगी, इसीलिए यहाँ से लिफ्टिंग लिफ्ट मिलती है आगे, ठीक है। सारी चीज हम कवर करेंगे, वो है हर चीज का। मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जिसकी इलास्टिसिटी है, अगर आप इसके अंदर रखते हो तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस आएंगे, एंड दैट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और जो इसके चेंज इन वॉल्यूम जो होगा इसके अंदर में, ऑब्वियसली जब इसके अंदर वॉल्यूम, हम एक माइक्रोस्कोप एक बड़ा व्यू करके दिखा रहे हैं कि चेंज हो रहा है इस तरह से, बट ऐसा थोड़ी ना होता है, हम डायग्राम में शो करके दिखा रहे हैं कि इतना चेंज हो गया वॉल्यूम। तो जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स हटाएंगे तो ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी, हाँ हाँ। तो जैसे हम इस फोर्स को रिस्टोरिंग, इस फोर्स को हटा दिया, एक्सटर्नल फोर्स को, मतलब पानी हमने निकाल दिया इसमें से, तो पानी निकाल दिया मतलब हमने इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये फिर ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा। कौन सा? हाँ मतलब तो वही तो मैं कर रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब रिजिड बॉडी मत लो आप, हम एक जनरल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। आप ये मत समझो कि अब आप स्टोन को रख लो, तो स्टोन तो कहोगे उसके इंटर एटॉमिक पार्टिकल इतने इंटैक्ट हैं कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हैमर भी मार दोगे तो उसके चेंजेस बहुत कम आते हैं धीरे धीरे, हाँ। तो वो ऑब्जेक्ट आप कोई भी ले लो आप, इसीलिए हमने पहले सबसे पहले बता दिया व्हाट इज द इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज द प्लास्टिसिटी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया वॉल्यूमेट्रिक, ये हाइड्रोलिक स्ट्रेन हो गया, ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो गया, दोनों क्लियर है? थक गया? ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका हुक्स लॉ है, ठीक है। हुक्स लॉ ये कहता है जो स्ट्रेस होगा वो आपका, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, यही है हुक्स लॉ। यहाँ पे जो स्ट्रेस जो डेवलप होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में अगर डिफॉर्मिंग फोर्स में, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर है, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है क्या सीधा? एक सर्टेन पॉइंट होता है जहां पे वो आइटम ब्रेक हो जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, इतनी भी इलास्टिसिटी नहीं होती है, मतलब तो
तो कहने का मतलब ये हुक्स लॉ जो है, मतलब कुछ सर्टेन आप ये कह सकते हो ये आपका वैलिड कहाँ तक है, ये वैलिड एक सर्टेन रेंज में वैलिड है। हाँ, एक सर्टेन रेंज में वैलिड है। तो एक्चुअल में जो ग्राफ होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो कर्व एक्चुअली डिपेंड करता है डिफरेंट मटेरियल का, डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल का। हाँ, डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो इसको ऐसे होता है, ऐसे हो गया बिल्कुल, ठीक है, टूट गया। हाँ, तो क्या हो गया, तो इसमें डिफरेंट तीन चार पॉइंट है, उसको आपको याद करना पड़ेगा इसमें। अब देखो यहां तक पॉइंट क्या है, यहां तक मान लो ओ ए, ए तक क्या है, बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, लिनियरली है। तो यहां तक आपकी इलास्टिसिटी है, जैसे अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस को हटाओगे तो वो अपने ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेगा वो, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या है, डिफरेंट है। ये मान लो बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंटेड है, ठीक है। तो ए से बी पॉइंट में, मतलब ये थोड़ा सा एक लिमिट दे दिया गया है कि चलो ठीक है, थोड़ा ग्राफ गलत तो नहीं बना दे मैंने, कौन सा ई वाला पॉइंट ना, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आ गया। इधर आप ले लो आप स्ट्रेन, तो लिख लो ओए तक आपका क्या है, इलास्टिसिटी है, ठीक है। ए से बी कैसा परफॉर्म हो रहा है, ये डायग्राम बनाओ पहले, कौन सा मेरी नहीं है, आई थिंक सो मेरी 6 to 7 थी एक 12th का, बट आज हुई नहीं है, क्लास 12th के 6 to 7, 7 to 8 आप लोग का 11th का, ठीक है। हाँ, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। तो ये आपका जो बी पॉइंट है आपका, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, इसको बोलते हैं इल्ड पॉइंट या इल्ड स्ट्रेंथ। हाँ, बी पॉइंट को क्या बोलेंगे, एल्ड पॉइंट और एल्ड स्ट्रेंथ। कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट के बाद उसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो आपका क्या है, बी है, बी दैट इज कॉल्ड एल्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। और आपका जो इसको एल्ड पॉइंट भी कर सकते हो या इलास्टिक लिमिट भी कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, इलास्टिक लिमिट, मतलब बी के बाद इलास्टिसिटी खत्म हो जा रही है बिल्कुल, फिर क्या हो गया, लॉन्ग तो होगा बट ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टेन नहीं करेगा वो, ठीक है ना, वो अलॉन्ग ही रह जाएगा, प्लास्टिक वाली वो करेक्टर आ जाएगा इसके अंदर, वो ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से नहीं आएगी वो। हाँ, टूटता नहीं है वो, हाँ वापस आ जाता है, हाँ बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि हाँ, कहने का मतलब यह कि बी पॉइंट तक क्या करेगा, वो किस तरह से वो रिटेन करेगा, बी से सी पॉइंट में क्या करेगा वो, आपकी इलास्टिसिटी खत्म हो गया वो प्लास्टिसिटी है वाला, ये हो गया आपका प्लास्टिसिटी। और सी से ई वाला जो पॉइंट है, डी पॉइंट जो कह सकते हो, ये ब्रिटल वाला पार्ट है, ये टूट गया, ठीक है, ये ब्रिटल वाला पार्ट हो गया। तो ए से बी वाला जो पॉइंट हो गया आपका, जो बी पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक स्ट्रेंथ। ग्राफ एक ही में बनेंगे, एक ही में तीनों को दिखाना है हमें, क्योंकि हम ये जो फोर्सेस जो है, ये फोर्स को हम चेंज करते जा रहे हैं। जैसे मान लें कि सिलेंडर था यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम ये फोर्स एफ बढ़ाते जा रहे हैं, एफ को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एक सर्टेन फोर्स तक के, जो यहाँ तक जो इन दोनों के बीच में कर्व है, अप टू यहाँ तक के है, यहाँ तक के इलास्टिसिटी इसके अंदर रहेगी, मतलब हम अगर इस फोर्स को रिमूव कर देंगे तो ये ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगी। लेकिन जैसे बी से सी वाला पोर्शन में फोर्स को हम बढ़ा दिए, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए, कैपिटल एफ कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा, वो बिल्कुल ऐसे लंबा हो गया, और ये फिर से अब ओरिजिनल पोजीशन पे अब नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। नहीं, वो एक
ग्राफ होता है रबड़ का अलग होता है, वो होता है एक्सपोनेंशियल होता है, क्योंकि रबड़ में उसकी अलग मटेरियल होती है, उसकी ऐसे एक्सपोनेंशियल होता है वो। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि ये जो होता है बाकी मटेरियल से इसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, लेकिन कोई भी चीज़ का परमानेंट नहीं होता है क्योंकि किसी का एंड नहीं दिखाया यहाँ पे, ठीक है ना वो। तो ये मेटल का ए नॉर्मली क्या है, इसमें तीनों कवर हो जा रहे हैं, ए से बी पॉइंट, बी पॉइंट तुम्हारा इल्ड पॉइंट हो गया, इलास्टिक लिमिट हो गया, बी से सी प्लास्टिक हो गया, सी से डी में आपका ये ब्रेक हो गया यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ पे टूट गया है। फिर आप चाहे जितना भी वो लगा दो स्ट्रेन, यहाँ पे नीचे आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ग्राफ नीचे आने का मतलब ये हो गया कि आप मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे स्ट्रेन क्या हुआ है, बी से सी में देखो स्ट्रेन बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया डेल्टा अपॉन एल, ये इंक्रीज होने का मतलब ये वाली लेंथ बढ़ रही है, अगर स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है मतलब डेल्टा एल इंक्रीज हो रही है, यही इंक्रीज हो रही है, तभी तो ये ग्राफ बी से सी बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे फ्लैट यहाँ पे गया। लेकिन स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस भी बढ़ी है, स्ट्रेस भी यहाँ पे बढ़ा दिया अभी, ठीक है ये भी बढ़ी है, लेकिन इस पॉइंट में देखो सी से डी वाला में देखो नीचे आने वाला में क्या हो रहा है, स्ट्रेस कॉन्स्टेंट हो गया, अब कोई फायदा नहीं है, ये टूट गया है, ये कॉन्स्टेंट हो गया बिल्कुल अब यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इलेबरेट करके फिर से हम करेंगे क्लियर, यहीं से फिर से चलेंगे, और फिर इसके बाद आएगा यंग मॉडुलस, और आएगा उसके बाद सबसे जो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आई पिलर, हम क्यों आई यूज करते हैं, ये सिविल इंजीनियर की पार्ट है यहाँ पे बिल्कुल। जैसे मेट्रो का देखोगे, मेट्रो का कहते हैं, रेलवे ट्रैक देखोगे कैसा होता है, रेलवे ट्रैक कैसा बना होता है, वो आई शेप में होता है, पैरेलल नहीं होता है, पैरेलल तो होता ही होता है, वो जो ट्रैक होते हैं वो जो मेटल पार्ट होते हैं वो कैसा होता है, आई शेप में होता है। पुराने घरों में देखोगे जो पिलर लगाते थे घरों में दरवाजों में, वो या ब्रिज जो बनती है उसमें आई टाइप का पिलर यूज करते हैं, हाँ आई शेप का क्यों बनता है वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ये आपका इस पे है यंग मॉडुलस पे, इसी दोनों पे है डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मास को कम करके हम वहाँ पे ये आई पिलर को बताएंगे नेक्स्ट क्लास, बस ये लास्ट चैप्टर है, खत्म है नेक्स्ट क्लास में। कौन सा क्या लग रहा है, ओके थैंक यू।